दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर हर जगह अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जब भारतीय टीम इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को बुरी तरह से पटखनी देगी। लेकिन दोस्तों इस फाइनल मुकाबले से पहले ही न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भारत को चेतावनी देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए बताते हैं आपको केन विलियमसन के उस बयान के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल में किस खिलाड़ी को इस मैच में खिलाना चाहिए, उस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साउथहैम्पटन मैदान में 18 जून से खेला जाना है। भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है, क्योंकि कप्तान विराट कोहली के पास मौका होगा इस आईसीसी खिताब को अपने नाम करने का। और आपको बता दें कि बीसीसीआई ने 24 सदस्यों की टीम तो पहले ही घोषित कर दी थी। आपको बता दें कि ये टीम पहले ही मुंबई पहुंच गई थी और वहां पर अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म करने के बाद अब भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है। भारतीय टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं जो भारतीय टीम की मजबूती में चार चांद लगाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस फाइनल मुकाबले से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड पहुंच गई थी और इंग्लैंड के साथ मौजूदा समय में न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज खेल रही है। हालांकि न्यूजीलैंड का पलड़ा इंग्लैंड से इस टेस्ट मुकाबले में भारी दिखता नजर आ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए केन विलियमसन ने भारत को चेतावनी देते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए सचेत कर दिया है। विलियमसन ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा समय में हमारी टीम के पास में एक से एक बेहतरीन खिलाड़ियों की भरमार है और हमने गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक हर एक चीज पर हमने काम किया है। ये फाइनल मुकाबले से पहले इंग्लैंड के साथ हमारी टेस्ट सीरीज का होना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि हमें अपनी कमजोरियों और मजबूतियों का ज्ञान पहले ही हो चुका है। हमारी बल्लेबाजी काफी ज्यादा शानदार रही है और डेवॉन कॉनवी के आ जाने से हमारी टीम को और भी ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। मैं मानता हूं कि भारतीय टीम के पास क्षमता है इस फाइनल मुकाबले में हमसे लड़ाई करने की। हालांकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे जैसे खतरनाक बल्लेबाज भारत के पास मौजूद हैं, लेकिन हमारा गेंदबाजी पक्ष भी काफी ज्यादा खतरनाक है। ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज हमारे पास मौजूद हैं जो भारतीय टीम को शुरुआती झटके देने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं ट्रेंट बोल्ट के नेतृत्व में भी और तेज गेंदबाज हैं जो अपनी उछाल भरी गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। मैं मानता हूं कि हमारी टीम जिस स्थिति से गुजर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीय टीम को इस फाइनल मुकाबले में महज 3 दिन में हराकर इस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम जिस तरह से हालिया में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन कर चुकी है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि हमारी टीम न्यूजीलैंड को बुरी तरह से धूल चटाएगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ताज अपने सर पर पहनेगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि होने वाले फाइनल मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर न्यूजीलैंड? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।